एमपीएससी की ओर से राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 13 सितंबर को, तब सभी छात्रों की चिंता बड़ी है। कोरोना के रहते महानगर में जाने का ख्वाब सता रहा है, राज्य सरकार को उचित कदम उठाना होगा। एमपीएससी की ओर से राज्य सेवा की पूर्व परीक्षा 13 सितंबर के दिन होने वाली है तो द्वियम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 11 अक्टूबर को और अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 1 नवंबर को महाराष्ट्र में ली जाने वाली है। यह सभी परीक्षाएं अप्रैल और मई में होने वाली थी, लेकिन कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देख और लॉकडाउन की वजह से आयोग ने सभी परीक्षाएं आगे बढ़ा दी। लॉकडाउन के रहते पुणे के क्लासेस, मेस और होटल्स, अभ्यासिका, चाय की दुकान सभी बंद हो गए, परीक्षाएं भी आगे कर दी गई। तब से पुणे से हजारों छात्र अपने घर वापस आ गए हैं। यह संख्या करीबन 40,000 के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बहुत से छात्र दिल्ली छोड़ अपने मूल राज्य में अपने गांव वापस आए हैं, तब उनको अपना परीक्षा केंद्र बदलने के लिए समय सीमा दी गई। उसी धरती पर एमपीएससी के परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा उपलब्ध करने की मांग अनेक छात्र कर रहे हैं। इस बात को लेकर आयोग को निवेदन भी दिया गया। राज्य सेवा पूर्व परीक्षा को लगभग 1.5 महीना बाकी है। इस समय की कोरोना स्थिति देख स्थिति में पुणे जाना आम छात्रों के लिए संभव नहीं। पुणे में गए तो वहां खाने से लेकर सबके बेहाल है, तब मुंबई, औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र में रहने वाले छात्रों के इस प्रकार की अवस्था होने वाली, तब यह बड़े शहर के परीक्षा केंद्र बदल के जिला या तहसील स्तर पर परीक्षा ली जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही थी। लेकिन आयोग ने इस प्रकार के बदलाव में असमर्थता दर्शाई है, तब छात्रों को महानगरों में जाने के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं, यह बात स्पष्ट है। तब इस दरमियान उनको अगर कोरोना संक्रमण होता है तब क्या, परीक्षा देकर अपने गृह नगर कोरोना बाधित होकर आते हैं, तब वहां पर कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार को इस समस्या पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की जरूरत है। सभी छात्र व पालक राज्य सरकार के निर्णय और नीति बदलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 13 सप्टेंबर रोजी एमपीएससी च्या पूर्व परीक्षा होणार आहे। पुण्या मुंबईला विदर्भातली भरपूर मुलं एमपीएससी च्या तयारीसाठी गेले होते, त्याच्यानंतर त्यांनी सेंटर पण तेच मागितली, पण अचानक मधात कोरोना प्रादुर्भाव सुरुवात झाली, त्याच्यानंतर सगळे मुलं जे आहे पुण्यातून मुंबईतून विदर्भात वापस आले। त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था जे खूप काही होते, रूम्स वगैरे सगळे सोडून आले, तेव्हा आता 13 सप्टेंबरला त्यांनी कसं जावं, कशी आपली व्यवस्था करावं, हा एक मूळ प्रश्न निर्माण होत आहे। तेव्हा ह्या मुलांची आयोगाकडे मागणी पण झालेली आहे का आम्हाला जे आहे आमच्या जिल्ह्यानिहाय सेंटर देण्यात यावी, त्यामुळे आम्हाला सुविधा होईल, नाही तर आम्ही पुण्या मुंबईला आता जाणार, त्याच्यानंतर दहाची व्यवस्था नाही आहे, सगळ्या गोष्टीचा प्रतिप्रश्न निर्माण झालेले आहे। तेव्हा पुण्या मुंबईकडे जाऊन आम्ही गेलोही कोणत्याही प्रयत्नाने, एकदम देऊन पण आलो, कोरोना असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्यामुळे इथं गेल्यानंतर आम्हाला जर लागण झाली तर त्याचा प्रादुर्भाव घेऊन आम्ही इकडे येणार। तेव्हा हा आयोगाने आमच्या निश्चित आमच्या मागणीकडे लक्ष देऊन जिल्हानिहाय सेंटर उपलब्ध करून द्यावी हीच माहिती आहे। तेव्हा आम्ही स्कायलाईट एमपीएससी अकादमीचे संचालक यांच्याकडून काही माहिती घेतली। एमपीएससीने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार एप्रिल महिन्यात होणारी पेपर किंवा एप्रिल महिन्यात होणारा जो पेपर आहे तो 13 सप्टेंबर 2020 जाहीर करण्यात आलेला आहे। बरेच विद्यार्थी पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद या ठिकाणी वेगवेगळे एमपीएससीचे क्लासेस करण्यासाठी गेले होते, ते कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊननुसार ते प्रत्येक विद्यार्थी आपापल्या घरापर्यंत पोहोचलेला आहे। आता पुन्हा ते परीक्षा केंद्रावर जाईल अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये बरेच प्रमाणात त्या ठिकाणी असणारे लॉज, त्या ठिकाणी असणारे हॉटेलसुद्धा बंद असल्यामुळं पोरांनी राहायचं कुठं आणि पेपरला जायचं कसं असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आयोगाला मी अशी विनंती करतो की आयोगाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या त्याच्या जिल्ह्यानुसार सेंटर जर उपलब्ध करून दिलं तर चांगल्या पद्धतीनं पेपर पोरांना देणं होईल आणि त्याच पद्धतीनं आपल्याला कोरोना या रोगापासून किंवा या बिमारीपासूनसुद्धा प्रत्येकाला रोखता येईल अशी मी आयोगाला विनंती करतो की त्यांनी सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपापल्या जिल्ह्याचे केंद्र उपलब्ध करून द्यावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। हिंगणघाट से NBC न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।